हेलो एवरीवन, सब्सक्राइब करें संचेति फैशन डिजाइनर को और नई नई वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करें। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ प्लाजो पैंट। आप देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत ट्रायंगुलर शेप में हम कैसे कटिंग करें, एकदम इजी तरीका, एकदम आसान है। प्लेंथ है 38 और हिप है 38। चलिए कटिंग शुरू करते हैं। पसंद आए तो लाइक कीजिए और एकदम सिंपल तरीके से घर पे बनाइए। रिक्टेंगल ट्रेंगुलर प्लाजो पैंट की लंबाई है 38 और हिप है 38। दोनों ही एक ही मेजरमेंट है, लंबाई भी इतनी है और हिप भी इतना है। तो चलिए ट्रेंगुलर शेप में कटिंग करने के लिए देखिए, जैसे मैं आप अभी पहले पेपर पे हम कटिंग करेंगे क्योंकि पेपर पे आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो ये पेपर की सीधी फोल्ड है और ये जो तिरछी है ये देखिए, इसको इस तरह से करते हैं तो ये आ जाती है ट्रायंगुलर शेप। ठीक है, तो ट्रायंगुलर शेप में इसको, क्योंकि हम एक पाइचा कटिंग करेंगे उससे हम कपड़े को फोर फोल्ड में रख करके उसके ऊपर रख करके कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से पहले आपको ट्रायंगुलर शेप बनाना है, उसके बाद में सबसे पहले यहाँ पे इसको ऊपर में 38 कमर है, हिप है, तो हम उसका लेंगे प्लस 10 इंच करेंगे हिप में। 38 प्लस 10 48 हो गया, 48 का चौथा भाग हो गया 12 इंच। तो ये मैंने 12 इंच पे यहाँ पे पॉइंट लगा दिया है। तो इस तरह से हम 12 इंच पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे कमर के लिए। ठीक है, अब इसके बाद हम इसकी टोटल लंबाई देख लेते हैं। ऊपर बेल्ट का छोड़ देंगे हम 1 इंच और उसके बाद ये हो गया है कंप्लीटली 38 और 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे फोल्डिंग के लिए, तो ये हो गया 39। तो हमें मार्क कहाँ करना है, 39 पे मार्क करना है। तो इसको हमें ऐसे कॉर्नर पे लेते हुए 1 इंच ऊपर छोड़ दिया मैंने और उसके बाद में ये 39 का पॉइंट लगा दिया है कॉर्नर्स पे। इस तरह कमर से लेकर के ऊपर 1 इंच छोड़ते हुए और 39 पे हम गोल मार्क कर लेंगे, गोलाई में मार्क करेंगे नीचे से हम इस तरह से। तो 4 से 5 मार्क करने के बाद आप सारे मार्क को आपस में मिला लीजिए। तो इस तरह से आपका जो नीचे का बॉटम पार्ट्स है वो मार्किंग हो जाएगा। तो ये बॉटम पे मैंने मार्क कर लिया है। तो अब हम इसको कट कर लेते हैं। मैंने लाइन ड्रॉ कर ली है दोनों, तो मैं इसको कट कर लेती हूँ। ये मैंने इसको कट कर लिया है, नीचे का जो एक्स्ट्रा उसको भी मैं कट करके निकाल देती हूँ। ये मैंने निकाल दिया है, ठीक है ना। अब हमें आपको अगर इसको थोड़ा ही इस तरफ से कम चौड़ा रखना हो तो आप इसको कम भी कर सकते हो, ज्यादा हो तो आप इसको और बढ़ा भी सकते हो। ये मेजरमेंट आपका बिल्कुल सही होना चाहिए। अब मैं यहां से, मुझे जैसे नीचे से, जैसे देखिए इसकी जो कितनी होती है वो मैं आपको बता देती हूँ यहां पे। तो नीचे से जो इसकी बॉटम्स है ना वो होगी यहाँ पे, आप लगभग देख सकते हो 40 इंच की, पूरी गोल राउंड में ये 40 इंच की लगभग हो जाती है। अगर आप चाहें तो इसको कम भी कर सकते हो, जैसे आपको ये जो पैरों का जो घेरा है ना, जैसे आपको चाहिए, यहाँ पे रख लेते हैं 36 इंच चाहिए, तो आपको क्या करना है, 2 इंच इस तरफ से माइनस कर देना है और 2 इंच इस तरफ से माइनस कर देना है। उसके बाद आपको इसको ऐसे ऐसा सीधा ऐसे स्ट्रेट लगा देना है। इसे आपके जो पैरों की चौड़ाई अगर आप कम चाहते हैं तो वो इस तरह से कम भी कर सकते हैं। ये इस तरह से कम हो गया और इस तरफ वाले को आपको ऐसे कम कर देना है। ऊपर से बिल्कुल अपनी कमर है वो बिल्कुल से बराबर ही होनी चाहिए और ये आप चौड़ाई जो है वो नीचे से कम कर सकते हो। अब यहाँ पे मुझे करना है हिप का पॉइंट, तो यहाँ पे हिप ले रही हूं मैं, जो हमारा क्रॉच पॉइंट होता है, आसन का बोलते हैं जिसे हम, वो हिप का थर्ड भाग।
तो ये आता है हिप का थर्ड भाग 12.5 इंच, या 13 इंच से 39 हो जाता है 12.5, या फिर आप 13 ऐसे रख सकते हो। ठीक है, यहां से हम लेंगे 2 इंच पे एक पॉइंट और इसको हम मिला देंगे ऐसे ऊपर तक सीधा। ऐसे मिलाने के बाद आपको इसको ऐसे कर लेना है गोलाई में, जैसे हम क्रॉच का शेप लगाते हैं ना, वैसे इसकी गोलाई में ऐसे शेप लगा देते हैं। और इस तरफ से अगर आप सिलाई नहीं करना चाहते हो, ये आप फोल्डेड ही रखना चाहते हो, तो आप ये वाला मार्क यहाँ पे कर सकते हो। तो बस इस तरफ से भी वही 12.5-13 इंच पे लगभग ये पॉइंट हमें लगाना है, 2 इंच पे ऐसे मार्क करना है और फिर इस 2 इंच के मार्क को आपको ऐसे मिलाना है, देखिए इस तरह से। बस ये वाली गोलाई लगानी है क्रॉच एरिया के, ये लीजिए, और फिर आप इसको आपको ऐसे कटिंग कर लेना है। उसके बाद में ऊपर का बेल्ट हम तैयार करके फिर इसकी सिलाई एकदम सिंपल है। तो ये मैंने आपको डबल फोल्ड पे कटिंग करके बताया, आप इसको 4 फोल्ड के कपड़े पे रख करके और कटिंग कर लें। ठीक है, अब इसके ऊपर की जो बेल्ट है वो हम कटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने लिया 4 इंच का बेल्ट का पार्ट, 4 इंच का ही ये, और बस इसको हम इस तरह से इसके अंदर ऐसे अटैच कर देंगे और इसके अंदर आप इलास्टिक डाल सकते हो। तो बेल्ट अटैच करना नॉर्मल, अगर आपको नहीं आता है, मैंने आपको नीचे लिंक दे रही हूँ कि इसकी पहले आपको कौन सी सिलाई करनी है। ये कटिंग हो गया, इसको आपको कपड़े पे रख के 4 फोल्ड के कपड़े पे कटिंग करना है। फोल्डेड साइड को फोल्डेड साइड में रखिए, ओपन साइड को ओपन साइड में रख करके कटिंग कर लीजिए और ट्रेंगुलर शेप में कटिंग हो जाएगा। उसके बाद में आपको सबसे पहले हिप पॉइंट जोड़ने हैं, एक पार्ट्स पे एक पार्ट्स को रखिए। जैसे ये एक पार्ट्स ऐसे आपने खोल लिया, इसके ऊपर दूसरे वाला पार्ट्स रखा, ये पहली सिलाई है। ये सिलाई करने के बाद नीचे से फोल्ड करना है, नीचे से फोल्ड करने के बाद आपको ये जो नीचे के जो हमारी पाइचे की सिलाई होती है ना, ये वाली आसन से लेकर के और नीचे दोनों तक आपको सिलाई करनी है। उसके बाद ये बेल्ट स्टिच करना है और बेल्ट स्टिच एक साइड से लगा करके दूसरे साइड पे आपको इसको ऐसे अंदर की ओर ऐसे फोल्ड कर देना है और इसके बाद इसके अंदर आपको इलास्टिक डाल देना है। तो एकदम सिंपल सिलाई है। वीडियो कैसी लगी आपको, पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, और इस तरह से नॉर्मल जो ट्रायंगुलर प्लाजो पैंट होता है उसकी आप कटिंग करके घर पे सिलाई कर सकते हो। एकदम सिंपल तरीका है सिलाई करने का। थैंक यू।